अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल हादी और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो हमने अपने अकाउंट के बारे में बनाई है, जिसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये आप देख सकते हैं कि 30 के लगभग रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, और इसके अलावा हमने कुछ गर्ल्स की आईडी को ये नहीं बताया कि गर्ल्स की आईडी रियल या फेक है, उनको रिक्वेस्ट सेंड की है, तो एक आध से बात भी की है। चलें उसकी तरफ चलते हैं जिससे बात की है, या देखें इनसे बात की है, और जो बात की है आप मैसेज पढ़ सकते हैं। तो गर्ल से एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने किसी भी एरे गहरे पे, मीन्स कि किसी चाहे कोई भी है, जितना मर्जी गुड लुकिंग है, जो भी है, फ्रैंक होकर किसी से बात ना किया करें, और ना ही इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट करके अपने पिक वगैरह सेंड किया करें। क्योंकि मैं 2-4 दिन पहले गया था नेट कैफ़े पे, मैंने देखा कि एक लड़की का अकाउंट बनाया हुआ है और लड़की से ही बात कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ना न्यूड पिक उसने सेंड की है, फिर उससे भी ले रहा, उसके अलावा उससे पैसे भी ले रहा। वो करता ऐसे था कि 3-4 गर्ल से बात कर रहा था, एक से लेता था, दूसरी को सेंड कर देता था, दूसरे से लेता फिर उसको सेंड कर देता, इससे लड़कियों के साथ भी। तो काइंडली, इस मेरे पास तब कैमरा नहीं था, नहीं तो मैं पूरी वीडियो बना के दिखाता आपको वाकई ऐसा है। और जिनके साथ होता है वो, अगर किसी ने देखी है वीडियो, जो देख रहा मेरी, तो वो वाकई कहेगा हाँ यार ऐसे ही होता है, क्योंकि जो गुजर चुका है उसको तो पता है। क्योंकि इंसान जब तक खुद किसी ठोकर से, जब तक वो ठोकर खा नहीं लेता या जब तक किसी रास्ते गुजर नहीं जाता, तब तक उसको उस बात का इल्म नहीं होता, बेशक बातें कितनी ज़्यादा मर्जी हो। इसलिए वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे ही होता है। मेरे जो अकाउंट है उनके बारे में बताता हूँ। अब मैं खुद तो इतने ज़्यादा अकाउंट बनाने से तो रहा कि मैं खुद ही बना के खुद बात करूँ, ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं खुद बना के खुद से बात करूँ। तो जो बात जो होती है, जो लोगों के जहन में, वो सारी आपके सामने है। इंशाल्लाह आगे से भी ज़्यादा वीडियो यानी कि कॉल पे बात जो करते हैं, वो भी आपको सुनाएंगे कि क्या होती है, क्या लड़के की या लड़की की इमोशन होती है, किस तरह वो बात करते हैं। तो किसी को डिसहार्ट नहीं करना, डिसहार्ट करना हमारी वीडियो का मकसद, बेसिकली लोगों को बताना कि रियलिटी क्या है। तो काइंडली इस रियलिटी को जाने से बचें। ये देख सकते हैं कि किसी ने बिना जाने बूझे हम कंपटीशन करवा दें, ये जो क्रेडिट की हुई पिक है वो भी इसका, किसी अल्लाह के बंदे ने ये नहीं कहा कि भाई ये एडिटिंग का कमाल है, ये पिक फेक है। वो अकाउंट को तो फेक करना दूर की बात, किसी ने पिक को भी नहीं फेक कहा। ये सर आपके सामने है कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया भाई बी ज़्यादा है, बी किसी ने एक को बी। एनीवे जो भी था, जो मकसद था, वो तो आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा कि भाई किसी भी लड़के पे या किसी भी लड़की पे ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं करना, चाहे वो जो मर्ज़ी कहे। आप अपने आप को कंट्रोल में रखें तो सब ठीक रहेगा। जब आप नहीं कंट्रोल रखेगा ना, तो फिर बहुत कुछ होगा। ये देखें, एक लड़की ने प्रपोज कर दिया हुआ, जिससे आपको अभी अभी दिखाया है, जिसके मैसेज पे चैट, तो ये भी किया मेरे पेज में, और कह रही है कि आप फेक हैं। अगर मैं फेक हूँ तो फिर मेरे पेज में यार क्यों मुझे प्रपोज कर रहे हो, देख लें बस पेज भी मेरा, अब मुझे ही फेक कह रहे हैं, समझ तो आ नहीं रही इनकी। चल खैर, अब आपको बताते हैं जो जिनका रियल अकाउंट है। ये हसन NK60 का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका एक स्क्रीन शॉट लिए हुए है, जैसे कि आप देख सकते हैं 232 शॉट, 108K फॉलोअर, और 7,404 को फॉलोइंग।